प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी है। राजस्थान में आज 171 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो इसी के साथ 9271, भरतपुर में 70, जयपुर की अगर बात करें 34, झालावाड़ में 23, जोधपुर में 12, अलवर में 10, कोटा में भी 10, दौसा में 4, झुंझुनू में 4, टोंक में 1, धौलपुर में 1 पॉजिटिव मिला। राजस्थान में आज 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हुई और राजस्थान में अब तक कोरोना से 201 लोगों की जाने जा चुकी है। जोधपुर से हमारे संवाददाता दयाल सिंह फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। दयाल, क्या अपडेट जोधपुर से? देखिए, लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, मैं ऐसा बताना चाहूंगा, जोधपुर में लगातार जो लॉकडाउन खुलने के बाद या लॉकडाउन 5 लागू होने के बाद काफी संख्या में जो बड़े स्तर पर सैंपलिंग शुरू हो गई है, जिसके चलते लगातार जो कोरोना स्प्रेड हुआ था शहर में वो उसके नतीजे सामने आ रहे हैं कि हर रोज 3 दर्जन से अधिक जो है नए मामले सामने पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं और उनका इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। साथ ही बताना चाहूंगा कि प्रशासन ने पूर्णतः जहाँ जहाँ जिन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू था वहां से कर्फ्यू हटा लिया गया है और वहां पर जो है जहाँ जहाँ कंटेनमेंट इलाका है वहां को सील करके इसके कोरोना की चेन को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी दयाल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 201 कोरोना जो मरीज थे वो अपनी जान गंवा चुके हैं इस वायरस के चलते, और जयपुर में सबसे अधिक जो कोरोना के मामले हैं वो जयपुर से सामने आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ोतरी की ओर है। कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फिलहाल फोनलाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट कोटा से? मनीषा, बिल्कुल, कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है कोटा से लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े की बात करें तो 487 पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। साथ में अगर कोरोना से डेथ के आंकड़े की बात करें तो अब तक कोटा शहर में 17 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज जो कोटा में कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं तो 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज और सामने आए। तो लगातार कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे दुखद और चिंता का विषय ये है मनीषा के लगातार वो कॉलोनियां संक्रमित निकल रही है जहां पर पहले कोरोना का एक भी केस सामने नहीं था। ये जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी मुसीबत का समय। जी मनीषा, कहीं बाहर से वो लोग आए थे या फिर कोटा के ही निवासी थे? राजेंद्र, मनीषा सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल पा रहे हैं उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिल पा रही है, और ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिलने का एक सबसे बड़ा कारण ये सामने निकल के आ रहा है कि लोग कोटा के उन कोरोना पॉजिटिव लोगों से संक्रमित होकर मरीज सामने आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी दुखद और चिंता का विषय है। बिल्कुल, कोटा शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और जहां पर अब कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, टीचर्स कॉलोनी, तलमंडी, विज्ञान नगर, ये जो क्षेत्र है वो साफ सुथरा क्षेत्र था, बिल्कुल यहाँ पर कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं था। लॉकडाउन 1 की बात करें, 2 की, 3 की, 4 की, यहाँ पर एक भी कोरोना पॉजिटिव का संक्रमित मरीज नहीं था। मगर जैसे ही लॉकडाउन को खोला गया और लॉकडाउन खुलने के बाद में जो लगा अनलॉकडाउन लगा उसके बाद में कोरोना पॉजिटिव की जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ऐसे इलाके संक्रमित होते जा रहे हैं जहां पर कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं था। बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि ऐसे इलाकों से अब कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं जहां पर पहले कोरोना का एक भी पॉजिटिव नहीं था। थोड़ा चिंता का विषय ये, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आंकड़ों में बढ़ोतरी हम देख सकते हैं, सतर्क और सजग रहने की अभी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अब अनलॉक का दौर शुरू हो रहा है तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे सभी कुछ खोला जाएगा। तो ऐसे में जो लापरवाही का जो आलम है वो कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। 201 जो कोरोना से संक्रमित मरीज थे वो अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार ये जो आंकड़ा है वो प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। हर जगह से जहां पर पहले कोरोना का बिल्कुल भी कोई संकेत भी नहीं थे कि वहां पर कोरोना हो सकता है, वहां से अब कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। दौसा से हमारे संवाददाता महेंद्र मीना फोन लाइन पर फिलहाल मौजूद है। महेंद्र, क्या अपडेट दौसा से? बिल्कुल, देखिए दौसा जिले में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज नए 4 पॉजिटिव मिले हैं। जो चारों पॉजिटिव है वो मजदूरी करके बाहर से आए हैं, जिसमें दिल्ली बॉम्बे से आए हुए लोग हैं। ये चारों पॉजिटिव है। इसी से दौसा जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। करीबन 60 के करीब दौसा में कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसमें कुछ रिकवर हो गए और बाकी का इलाज दौसा के जिला अस्पताल में डॉक्टर आरडी मीणा के नेतृत्व में देखरेख में चल रहा है। वहीं प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ती जा रही है।
क्योंकि धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में दौसा शहर में कोरोना के सब जगह पर मरीज पॉजिटिव लोग मिल चुके हैं। ऐसे में जो आज 4 पॉजिटिव मिले उनमें से 1 दौसा शहर से है, बाकी 3 ग्रामीण क्षेत्र से पॉजिटिव मिले हैं। बिल्कुल महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां से कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। यहां पर चिंता का विषय ये हो जाता है कि ग्रामीण इलाकों में अमूमन थोड़ी लापरवाहियां वहां पर देखने को मिल जाती हैं, तो वो जो है वहां पर खतरे की बात यह है कि लापरवाही का आलम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनलॉक का दौर चालू हो चुका है और इसमें ज्यादा सजग और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। झुंझुनू से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुजीत, देखिए लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्या नई अपडेट है, किस प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं? जी मनीषा, बिल्कुल झुंझुनू के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव की जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। झुंझुनू के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो अब तक 140 हो गई, लेकिन साथ में देखने बात यह की जो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे रिकवरी जो हो रही है पेशेंट की वो भी काफी अच्छी झुंझुनू के अंदर दिखाई दे रही है। झुंझुनू में अब तक जो कोरोना पॉजिटिव केस है जो अब तक नेगेटिव हुए हैं वो 93 की संख्या हो चुकी है। अब तक 93 जो केस थे वो नेगेटिव हो गए पॉजिटिव से। जी सुजीत, ये बताएं कि अब जो पॉजिटिव मरीज निकल कर आ रहे हैं वो बाहर से आने वाले लोग हैं या फिर झुंझुनू के ही निवासी? जी मनीषा, बिल्कुल जो अभी पॉजिटिव जो केस निकल के आ रहे हैं वो काफी हद तक बाहर से आने वाले निवासी आ रहे हैं, लेकिन जो झुंझुनू या लोकल के जो मिल रहे हैं वो उनसे संपर्क में आए लोग ही मिल रहे हैं, अदर जो संक्रमण है वो इसका नहीं फैल रहा अभी तक। सुजीत, बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स की क्या व्यवस्था? जी मनीषा, बिल्कुल झुंझुनू के अंदर जो बाहर से आने वाले प्रवासी उनके लिए चेक पोस्ट पे क्वारंटाइन वार्ड बना रखे हैं। झुंझुनू के अंदर भी 3 से 4 जगह क्वारंटाइन वार्ड बनाए हुए हैं। बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिन के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ जिला कलेक्टर यूडी खान ने भी आदेश जारी किया है कि क्वारंटाइन के अंदर किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल सुजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तमाम एहतियात बरती जा रही है, चिकित्सा विभाग लगातार मुस्तैद है, और साथ ही SMS अस्पताल को भी अब COVID-19 से फ्री कर दिया गया है। RUHS में सभी जो कोरोना के मरीज हैं उनको शिफ्ट किया गया है और बाकी जो OPD की सुविधाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। एक मरीज अब तक कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, और ऐसे में सभी व्यवस्थाएं फिर से सुचारू कर दी गई हैं। फिर से SMS अस्पताल में OPD जो है वो शुरू हो चुकी हैं, और कोरोना के जो पेशेंट्स थे उन्हें RUHS में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार का संक्रमण SMS में ना हो, क्योंकि बाकी OPD शुरू होंगी तो बाकी जो बीमारियों के जो पेशेंट हैं वो भी हॉस्पिटल आएंगे, तो उनको किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, इसलिए ये व्यवस्थाएं भी फिर से शुरू कर दी गई हैं। लगातार चिकित्सा विभाग मुस्तैद है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। लोकेश, देखिए तमाम इंतजाम नए सिरे से वापस से शुरू किए गए हैं, कोरोना के जो मरीज हैं उन्हें RUHS में शिफ्ट कर दिया गया है, OPD सभी शुरू हो चुके हैं, क्या इंतजाम फिलहाल, और जो मरीज अभी निकल कर आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार प्रदेश में जिस तरह कोरोना संक्रमण फैल रहा है इसमें बात करें तो आज 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इनमें बात करें तो जयपुर में आज 34 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जो और सबसे अधिक अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या जयपुर में है। जयपुर 261 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुकी है, और नई 94 कोरोना पॉजिटिव मरीज की अब तक मौत हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश में की बात साथ बात करें तो जयपुर में जो एक्टिव केसेस की बात करें, जयपुर में 1293 एक्टिव केस है। पूरे प्रदेश की बात करें तो 2803 अभी भी एक्टिव केसेस है। लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, ऐसे में देश भर में जो 10 राज्यों की बात करें, 10 राज्यों में राजस्थान को भी शामिल किया गया, केंद्र सरकार के उद्योग निर्माताओं का जो सर्वे किया गया रिपोर्ट जारी हुई उसमें 10 राज्यों में बात करें तो राजस्थान को भी उसमें शामिल किया गया। लेकिन जिस तरह से रिकवरी जो प्रदेश में आ रही है, ठीक होने वालों की संख्या जिस तरह से आ रही है, उसमें राजस्थान का जो स्थान जो पहला स्थान रखा गया है, क्योंकि रिकवरी सबसे अधिक है राजस्थान में, और अब तक जो रिकवरी का जो प्रतिशत है वो 67.59% मरीज है अब तक ठीक हो चुके हैं। बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें जयपुर में कोरोना के सबसे अधिक जो संक्रमित हैं वो हैं, और ऐसे में तमाम सुविधाएं जो हैं वो फिर से शुरू कर दी गई हैं, तमाम इंतजाम जो हैं वो फिर से कर दिए गए हैं, क्योंकि OPD जो शुरू हो चुकी है SMS हॉस्पिटल में,
अलवर से फिलहाल हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रशेखर, क्या अपडेट अलवर से? चंद्रशेखर, क्या अपडेट अलवर से? जी, बताना चाहूंगा कि आज अलवर में कोरोना का एकदम विस्फोट हुआ है और एक साथ 11 पेशेंट कोरोना के सामने आए हैं। भिवाड़ी में लगातार कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं, 4 आज आए हैं। इसके अलावा खेड़ली, कोटासी, नीमराना, टपुकड़ा, ततारपुर में 1 पेशेंट मिले हैं, जबकि भैरोड में 2 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। अभी तक मैं बताना चाहूंगा कि अलवर में टोटल 72 मरीज कोरोना के सामने आ चुके हैं और कुछ मरीज उनमें से सही भी हो चुके हैं। लेकिन जो दिनों दिन कोरोना के जो लॉकडाउन हुआ है और उसके बाद खुला है, उसके बाद पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोटकासिम में 2 फीमेल महिलाएं हैं कोरोना पॉजिटिव में और नीमराना में भी 2 महिलाएं सामने आई हैं। कितने लोग रिकवर हो चुके हैं चंद्रशेखर? अभी जो यहाँ पर जिला मुख्यालय पर जो कोरोना टाइम बना रखा था कोविड के लिए, उसमें करीब 30 पेशेंट हैं जिनकी जांच चल रही थी, उनके पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, लेकिन अब जो उनके उपचार के बाद उनको फिलहाल डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी चंद्रशेखर, अब जो देखिए पॉजिटिव मामले मिल रहे हैं वो कहाँ से, जैसे बाहर से आने वाले कोई हैं या फिर उस मूल इलाके के रहने वाले हैं? भिवाड़ी चूंकि औद्योगिक एरिया है और ज्यादातर लोग भिवाड़ी में बाहर के हैं और बाहर से आने वाले लोगों को ही कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। लोकल जो स्थानीय स्तर के लोग हैं वो इसमें नहीं आए, या तो कोई बॉम्बे से आया है या कोई महाराष्ट्र से आया है, दिल्ली से आया है, उन्हीं के पॉजिटिव के सामने आए हैं। मनीषा, बिल्कुल चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अलवर से हमारे संवाददाता ने अपडेट दी किस प्रकार से इंतजाम वहां पर हैं और कहां कहां से जो मरीज हैं कोरोना के वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। एकदम से कोरोना का विस्फोट वहां हुआ।